कक्षा पांच विषय गणित पांच के कक्षा पांच में हम आपको रिवीजन के अंदर वापस सब से प्रश्नावलियों को हल करने का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम जो ले रहे हो आपका अध्याय एक नंबर चैप्टर है, इसका नाम है संख्याएं। ये प्रश्नावली एक का पहला सवाल, ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं और वापस आपको रिवीजन के अंदर इनको कराने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो संख्या है देखिए 2, 4, 0, 5 से। अब इनसे हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो है 24,056, क्योंकि पीछे से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो क्या है ये, आगे क्या लिखा है 24, 10,000 कौन संख्या है 24। तो हम इसे लिखेंगे 24 हजार, 24,000 पीछे कितना है सैकड़े के स्थान पर जीरो है, इकाई दहाई पर क्या संख्या बन रही है 56। तो हम लिखेंगे 24,056। फिर दूसरा देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब 10,000 पर क्या है 4 दे रखा है, तो देखिए 40 की दहाई पर संख्या जीरो है, सैकड़े पर भी जीरो है, तो केवल क्या लिखी जाएगी 40 हजार 9, 40,009 इकाई का अंक है केवल, तो दहाई पर जीरो, सैकड़े पर भी जीरो और हजार पर भी जीरो, सीधा 40,009। सी नंबर है, 5 बार आपको 9,9,9 दिया हुआ है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो संख्या क्या बनेगी आपकी 99,999, कितनी बनेगी 99,999। फिर डी नंबर है वही इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 पर क्या दे रखा है 80। फिर अंतिम है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 पे क्या अंक बना 67। ये आपका पहला सवाल जिसको आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना था, अंकों में आपको दिया हुआ था, इनको आपको शब्दों में लिखना था। तो आप इनको अपनी कॉपी में उतारिए और इसको समझते हुए लिखने का अभ्यास कीजिए।